पवन जी भोजपुरी के पावर स्टार हम नहीं जानते। मिसाल के तौर पे तो के एगो बात बता दी, 1 लाख पूता 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया न बाती। अरे सनकी तो हम हिले है, लेकिन जब सटक जाला ना तो इतिहास का भूगोल भी बदल दीला। नमस्कार दोस्तों, इन्हें तो आप सभी जानते हो कि प्रीति पासवान जो कि नेपाल के एक जाने माने टिकटॉक स्टार है और इनके डांस सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल होते हैं और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और जब से सौम्या पोखरेल ने इंटरव्यू में बोल दिया कि हम पवन सिंह को नहीं जानते, तो अब से सोशल मीडिया पर ये विवाद हो गए और लोग काफ़ी सौम्या पोखरेल पर गुस्से हैं। जैसे में नेपाल के टिकटॉक स्टार प्रीति पासवान ने बोला कि सौम्या पोखरेल को माफ़ी मांगना चाहिए, सौम्या पोखरेल में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो सौम्या पोखरेल ने खेसारी का टैटू बना के इतना आगे बढ़े और किसी का नाम लेके वो नीचे गिरा रहे और आगे बढ़ने चाहते हैं। आप सभी का क्या राय है कि सौम्या पोखरेल ने जो बोला वो गलत बोला, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। और भोजपुरी के भी कई सारे स्टार है जो कि सौम्या पोखरेल से बोला कि आप पवन सिंह के माफ़ी मांगो और सौम्या पोखरेल बोल रहे कि अभी हम किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो आप सभी का क्या राय है प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। सौम्या पोखरेल ने गलत किया या सौम्या पोखरेल ने सही किया, प्लीज़ आप सभी नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा।